अस्सलाम दोस्तों, मेरे पास इस वक्त मारिया बी ईगॉन कलेक्शन D3, ठीक है। दिस इज अनदर हॉट डिज़ाइन और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि लिटरली समझने में बहुत मुश्किल हो, बट आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी इस कोटी से। यू कैन सी दिस कोटी के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हमें। सबसे पहले कॉटन साटन एम्ब्रॉयडर्ड कोटी का फैब्रिक दिया हुआ है, सीक्वेंस एंड रेशम वर्कआउट। दिस इज कोटी फ्रंट एंड बैक। उसके बाद कोटी का जो ऊपर से नीचे की तरफ एक राउंड आ रहा होता है, दिस तो ये रहा। दिस इज टोटल सीक्वेंस एंड जरी वर्क। आफ्टर दिस मजीद कोटी की लेसेस हैं, ये वाली जो इसको इस डिज़ाइन को कवर कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो इन कॉटन साटन फैब्रिक, जरी रेशम एंड सीक्वेंस वर्क। ये तो हो गई जी जनाब कोटी। कोटी के बाद हम आ जाते हैं शर्ट पर। कोटी के अंदर जो बेसिकली ये फ्रॉक बनेगी, तो फ्रॉक के जो ऊपर की बॉडी है वो प्लेन दी हुई है, येलो प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है लॉन का। एंड देन दिस इज द नेकलाइन, जरी एंड सीक्वेंस वर्क, यू कैन सी दिस। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं फ्रॉक के पैनल्स। बहुत सारा फैब्रिक है, नो डाउट। दिस इज येलो सेंटर पैनल एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट का, रेशम एंड सीक्वेंस वर्क। अनदर एम्ब्रॉयडर्ड पैनल पर्पल कलर में, दो पैनल्स दिए हुए, ठीक है जी। देन दिस इज अनदर टू पैनल्स एम्ब्रॉयडर्ड सी ग्रीन कलर में, साइड्स के लिए दो पैनल्स हैं। उसके बाद हम बैक पर आ जाते हैं, तो बैक का भी इसी तरीके से दिया हुआ है, बट बैक के प्रिंटेड दिए हुए हैं, प्रिंटेड लॉन में तीनों कलर्स के पैनल्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ही आपकी फ्रॉक बन जाएगी। फ्रॉक बनाने के बाद डेफिनेटली उसके दामन पे भी कुछ होना चाहिए, तो ये दामन की तकरीबन 2 yards के करीब इसकी लेस दी हुई है। इस पे रेशम का, जरी का और सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। बहुत प्यारी दामन लेस दी हुई है ये। अब कम ऑन स्लीव्स, एम्ब्रॉयडर्ड येलो कलर की लॉन्ग स्लीव्स हैं फर्स्ट, एंड दिस इज बॉटम ऑफ स्लीव्स और लंजा पे रेशम एंड सीक्वेंस वर्क। देन अनदर स्लीव्स पट्टी, ये भी ऑलेंजा पर बनी हुई है, रेशम एंड जरी वर्क हुआ है इस पर। ये तो हो गई हमारी स्लीव्स। कैम्ब्रिक प्रिंटेड ट्राउजर दिया हुआ है। अब शाइन देखें, आई डोंट नो कैमरा इसको कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत प्यारी शाइन है इसकी, बहुत प्यारा फैब्रिक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके दुपट्टे पर, जो कि हमें दिया हुआ है हैंड वोवन ऑर्गेंजा जैकार्ड दुपट्टा। यू कैन सी दिस, ओह दिस इज बैक साइड, दिस इज फ्रंट, येलो कलर का दुपट्टा। बहुत खूबसूरत सूट है। आई मस्ट से के कलर कॉम्बिनेशन इज समथिंग लाइक के जिस तरह से इसके पहले भी आ चुके हैं, तो कलर्स मैं आई डोंट थिंक सो कि इस दफ़ा मारिया बी ने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया है। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हम इसकी पिछली कलेक्शन में भी देखते रहे हैं, इसी तरीके से येलो पर्पल एंड पिंक सी ग्रीन, पिछले साल की जो कलेक्शन आई हैं उनमें भी हमने ये चीज़ देखी है। तो कलर्स में इतना नहीं खेला है, बट स्टाइलिंग में ज़रूर खेला है इस दफ़ा मारिया बी ने। सो दिस वॉज मारिया बी कलेक्शन D5 एंड 1 needed, do let me know. थैंक यू।